हाय गाइस, पूजा हियर। हाउ बातें करें। आई हैव रियलाइज कि आई टॉक बेटर व्हेन आई टॉक ऑन द फ़ोन। तो इमेजिन मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, ठीक है सर। मुझे एक सवाल है, लॉकडाउन में घर पे रहो सब कहते हैं, आई अग्री, ठीक है। घर पे रह के हम शायद कोरोना से बच जाएं, पर ये घर फैमिली से कौन बचाएगा? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक हर कोई सोच रहा होगा या फेस कर रहा होगा, इसका तो जवाब दे दो भाई। बिकॉज इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही बहुत अलग अलग और अजब अजब टाइप की फैमिलीज होती है। फैमिली इज़ नॉट द ईजीएस्ट थिंग टू यू नो लिव विथ और स्टे विथ। वो सिर्फ यू नो करण जौहर की पिक्चरों में अच्छा लगता है, फूल बरसते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, एंड ऑल दैट। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। और इस वक्त नॉर्मली इन इंडिया घर इज़ अबाउट 20-25%, घर इज़ अबाउट 20-25% एंड पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज लाइफ आउटसाइड। काम पे जाता है, स्कूल जाता है, यू नो, और आने के बाद भी मार्केट, बाज़ार, बंदे तो बाहर घूमते, नुक्कड़ पे जाके दे जस्ट कम बैक लास्ट की खाना पीना सोने के लिए बेसिक, दे कम बैक होम। अभी अचानक जब घर में ही रहना है, ऐसे लगता है हमारे घरों को 1/4 कर दिया हो, एकदम काट दिया हो 75%, क्योंकि और कह रहे हैं अंदर रहो, क्यों बाहर निकल रहे हो? वेल, माई हार्ट गोज़ आउट टू एवरीबडी जो अंदर नहीं रहना चाहते हैं और फंसे हुए हैं। एंड मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रा पेशेंटली सब एक दूसरे से पेश आइए। इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम टू फॉर एवरीवन, नोबडी इज़ काइंड ऑफ रियली इन्जॉइंग इट। और इससे मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई है कि यार, जो आपके घर में ओल्ड लोग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, जिनका बाहर जाना रिस्ट्रिक्ट हो गया, स्पेशली दोज पीपल जो ज़्यादा घूम नहीं सकते, जो बाहर नहीं जा सकते, जो सिर्फ घर रूम में घूम पाते हैं, दे बॉडी डजंट अलाउ देम टू यू नो गो आउट और समथिंग, प्लीज़ उनके साथ और टाइम बिताइए, एंटरटेन देम, चैट विद देम एवरी डे इवन आफ्टर द लॉकडाउन ओपन्स। क्योंकि उनका ये लॉकडाउन पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, तो हर कोई, हर मेंबर टर्न बाय टर्न जाके उनको ऑक्यूपाइड रखिए। हर एक दो घंटे में 5 मिनट भी आप लोग बात कर लोगे, उनका 1 घंटा वही चीज़ें याद करते करते चला जाएगा। मैं एक योगा टिप यार एक अच्छा टिप दे सकती हूँ, आई होप इट हेल्प्स यू आउट। जब किसी को गुस्सा आए या एक दूसरे की किसी बात पे चिढ़ आए, जो मैं करती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई बंदी चाय बनाने जा रही हो और 20 साल चाय बनाने के बाद भी अगर उसकी सास कहे पत्ती ठीक से उबालना या अदरक डाला कि नहीं, एंड शी जस्ट वॉन्ट्स टू ब्रेक समथिंग इन द हाउस, ट्राई एंड डू दिस योगा। फर्स्ट यू रोल योर आइज कि व्हाटएवर, एक सेकेंड इज ब्रीद आउट एंड आई से रब्बा, यू कैन से एनी गॉड यू बिलीव इन, एंड आई एम मोर एंग्री आई से भोलेनाथ। आपको जो गॉड को बिलीव करते हो, जो पावर आप बिलीव करते हो, आप जस्ट ब्रीद आउट एंड टेक हिज नेम एंड जस्ट इमेजिन क्वारंटाइन खुल रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है और आप बहुत जल्दी बाहर जा रहे हो। सो टिप नंबर 1 इज रोल आइज वॉर एवर एंड सेकेंड इज ब्रीद आउट। आई होप इट हेल्प्स यू गाइज, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, कितनी बार रोल आइज किया, कितनी बार ब्रीद आउट किया और कितना इफेक्टिव हुआ, ठीक है। अच्छा, दिस टॉय दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉयज, दिस इज़ फ्रॉम द मूवी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी और समथिंग, मुझे इसका रियल नेम अभी याद नहीं आ रहा है। आई लव दिस टॉय एंड लव दिस कैरेक्टर वेरी मच।
आई तो कॉल हिम गोलू ओनली. दिस आई हैव गॉट, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ. दिस आई हैव गॉट फ्रॉम डिज्नी इन हॉन्गकॉन्ग. माई यंगर सन वॉन्टेड इट और ऐसा जिद पकड़ ली बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ शॉपिंग एंड देर वॉज नो स्पेस फॉर सच अ बिग टॉय इन माई सूटकेस. में उसको समझा समझा थक गई बट उसने उस दिन जिद पकड़ी हुई थी. एट लास्ट ही वॉज सो एडमेंट, इसे जब तक ये टॉय नहीं लिया जाएगा इस शॉप से कोई बाहर नहीं जाएगा, ना आप ना मैं. आई लाफ लाइक एनी थिंग एंड आई देन कॉट हिम द टॉय बिकॉज नेक्स्ट सेकेंड ही स्टार्टेड सेइंग मा प्लीज प्लीज. दैट वॉज हिज लास्ट रिजॉर्ट. बट आई स्टिल रिमेंबर एंड आई फाइंड इट सो फनी कि बेचारा कहता है जब तक ये टॉय नहीं लिया जाएगा इस शॉप से कोई बाहर नहीं जा रहा है. दिस इज हार गोलू एंड आई थिंक आई हैड बॉट हिम इन 2016. 4 साल हो गए. गोलू फिट एंड फट है. वेरी गुड. चल देन, सी यू, बाय. फिर मिलते हैं, कुछ और बातें करते हैं. इन्जॉय लॉकडाउन. सॉरी, नो नो, थिंक ऑफ फ्रीडम वेरी फास्ट. मिलेगा मिलेगा, बहुत जल्दी फ्रीडम मिलेगी. स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, से पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव विल हैपन. बाय.